छत्तीसगढ़ में इस वर्ष करीबन 13 लाख परिवार जो तेंदू पत्ता का संग्रहण करते हैं, तो करीबन इस समय 16.5 लाख से ज्यादा मानक बोरा तेंदू पत्ता का संग्रहण होना था, उसका अब सिर्फ आधा ही इस समय तेंदू पत्ता का संग्रहण हुआ है, जिसके चलते तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अधिकतर जगह 2-3 दिन से ज्यादा तेंदू पत्ता का संग्रहण नहीं हो पाया। तेंदू पत्ता होने के बावजूद भी तेंदू पत्ता की सरकार तेंदू पत्ता का संग्रहण नहीं करवाई, जिसके चलते यहाँ का तेंदू पत्ता का राजस्व चोरी करते हुए, चाहे वो बस्तर संभाग में अधिकतर जगह लगे राज्य हैं, जहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में बहुत जगह तेंदू पत्ता को बेचे जाने की खबरें हैं, और उसी प्रकार से बस्तर संभाग में के अलावा सरगुजा संभाग में भी वहाँ बलरामपुर वगैरह तेंदू पत्ता, झारखंड वगैरह में भी बेचे जाने की खबरें आ रही हैं। इस प्रकार से तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को बहुत नुकसान हुआ है। मेरा तो ये मांग है कि तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को 2017, 18, 19 का एवरेज निकाल करके उनके तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं खाते में सरकार को राशि तत्काल डालनी चाहिए, देनी चाहिए, जिससे ये वर्तमान में ये कोरोना के महामारी के समय जो परिवार को लाभ नहीं मिल पा रहा, सीधा उनको लाभ प्राप्त हो, उनके खाते में पैसा जमा करे। उसके साथ ही साथ 2 साल का, 2018 और 2019 का तेंदू पत्ता का बोनस का भुगतान भी तत्काल सरकार को करनी चाहिए, जो अभी तक तेंदू पत्ता का बोनस का भुगतान नहीं करवा पाई है सरकार। उसके साथ ही साथ तेंदू पत्ता बीमा का, जो अभी तक जो भी परिवार में घटना दुर्घटना होने से बीमा राशि जो मिलता है, बीमा भी अभी तक ये राशि ये सरकार ने बंद की है, उसको बीमा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ तेंदू पत्ता तोड़ने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत उनको शिक्षा प्रोत्साहन हेतु राशि मिलता था, वो राशि भी अभी तक बंद कर दी गई है। इसके चलते तेंदू पत्ता तोड़ने वाले परिवार के बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके चलते तमाम उन योजनाएं ये सरकार बनने के बाद बंद हो गई है, उनको तत्काल चालू किया जाना चाहिए। और उसके साथ ही साथ वर्तमान में तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं के लिए सरकार तत्काल न्याय लागू करे, और के साथ ही साथ उन परिवारों के साथ की आज के परिस्थिति में उनको सीधा लाभ मिले, ये हम सरकार से सीधी मांग है। सरकार इस ओर तत्काल ध्यान दे और उन परिवारों को आज की परिस्थिति में सीधा संग्रहणकर्ताओं को लाभ मिले, ये सीधी हमारी सरकार से मांग है।